कम करो, कम करो, कम करो, रसोई के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मुंबई के कुर्ला में उत्तर मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी कुर्ला विधानसभा वार्ड 151 की तरफ से कुर्ला सर्कल पर मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से आंदोलन किया गया। आपको बता दें, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा और पूर्व खासदार प्रिया दत्त और जिला कार्याध्यक्ष सुभाष भाले राव के नेतृत्व में ये आंदोलन वार्ड 151 के वार्ड अध्यक्ष बाबा साहेब कामले ने आयोजित किया था। इस आंदोलन में भारी संख्या में लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बढ़ते हुए महंगाई के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस आंदोलन के माध्यम से महिलाओं ने सड़क पर बैठकर खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन गैस सिलेंडर खाली निकला। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया है। सब मीडिया से पहले विनंती, आपने एक क्वेश्चन पूछा मोदी सर के खिलाफ, बहुत रिस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का हमारे इसमें, तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि मोदी जी के सामने ये हमारा जो आंदोलन है ये रखे। आज लोगों को जो पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए, रसोई के दाम आप देख लीजिए, जिस प्रकार से खाने का तेल, कच्चा तेल, ये सब चीज़ें महंगी हुई है, इसके ऊपर कुछ तो हल निकलना चाहिए, गरीबों को राहत देनी चाहिए। इस वजह से पूरे मुंबई भर मुंबई कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष भाई जगताप जी, हमारी नेता प्रिया दत्त जी या इस तालुका के निरीक्षक हमारे तांबे साहब, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पे आंदोलन हो रहा है और ऐसा ही आंदोलन पूरे मुंबई भर यहाँ पे हो रहा है। कैसा रहता है कि आंदोलन से बहुत कुछ बदला है, आंदोलन से इस देश की दिशा भी बदली है। वही ध्यान में रख के हमारी तरफ से आंदोलन हो रहा है। आप जानते हैं पहले हम लोग घोषणा देते थे और आप लोगों को सबको पता था कांग्रेस का नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, लेकिन आज के दिन में आप देख रहे हैं मोदी जी का हाथ अदानी अंबानी के साथ। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अदानी अंबानी से आप हट जाइए और जिस गरीब व्यक्ति ने, जिस आम आदमी ने आपको चुन के दिया है, आपको इतनी बड़ी सत्ता दी, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उनका ख्याल करके आप महंगाई को थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि कोरोना परिस्थिति में आप सब जानते हैं कि लोगों की नौकरी छीन चुकी है, बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों के खाने के लाले पड़ चुके हैं। इस तरीके से महंगाई बढ़ती रही तो लोगों को आत्महत्या करने के सिवाय कुछ नहीं होगा। आपने आंदोलन में देखा कि कुछ महिलाएं अपना रोष व्यक्त करते हुए, आपने सामने से देखा है गैस सिलेंडर इन्होंने फ्री करके दिया, जैसे हमारे निरीक्षक तांबे साहब ने बोला है गैस सिलेंडर आपने घर में दे दिए, लेकिन गैस के भाव 4 गुना बढ़ा दिए, तो लोग सिलेंडर लेंगे कैसे? वो सिलेंडर लोगों ने किसी ने खेत में फेंक दिए, किसी ने नाले में फेंक दिए और आज चूल्हे पे लोग खाना बना रहे। ये परिस्थिति आज के देश की हो चुकी है 100%। क्या है, जान की फिक्र सबको है, जान है तो जहान है, लेकिन घर में बिना खाने के मरने से अच्छा है कि हम रस्ते पे आए, लोगों की आवाज़ उठाए। आज लोगों का प्रेशर आ रहा है कि इतने महंगाई हो चुकी है, आप घर में कैसे बैठ रहे हैं? और हम लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए यह ऐसा आंदोलन पूरी मुंबई भर कर रहे हैं, जिससे लोगों की आवाज़ बन के हम लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं 100%। आपके बहुत सारे आपके चैनल वाले उन्होंने देखा है कि हम लोगों की तरफ से पूरे मुंबई भर रेशन किट का हम लोग वितरण कर रहे हैं, जगह जगह पे सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे, जो लोगों की ज़रूरतमंद है हम तरीके से कांग्रेस के हर कार्यकर्ता आगे बढ़ चढ़ के लोगों हिस्सा ले रहे और कुछ ना कुछ गरीबों को राहत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये राहत बहुत थोड़ी है। हम जानते हैं हम जो किसी को किट दे रहे हैं वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के ऊपर नहीं चलने वाली। महंगाई का भार इतना बढ़ चुका है कि ये सरकार को ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। उसका है मतलब हम रस्ते पर आ गए ना, घर का बच्चा भी अगर कुछ हो तो पिताजी को बोलता है। अब ये देश के हमारे पिताजी है ना, पंतप्रधान बोले तो हम सबके परिवार के पिताजी हैं, इनको लोगों ने चुन के दिया है। क्यों चुन के दिया कि ये लोगों के लिए कुछ करेंगे, ये लोगों के लिए कुछ करने के बजाय लोगों को रास्ते पे ला रहे। अब मोदी जी है, मोदी जी है तो बोलते मुमकिन है, अब क्या मुमकिन है? लोग रास्ते पे आए, हर घर में इन्होंने गैस का बाटला दिया, बोले चूल नहीं जलने चाहिए, गैस का बाटला लो, और गैस का बाटला दिया, आसमान पर उसकी कीमत पहुँच गई, डीजल पेट्रोल के भाव 100 के ऊपर हो गए। और बाकी हमारे देशों में देखो डीजल पेट्रोल का क्या रेट है और हमारे देश में देखो क्या रेट है, तो ये सब क्यों है? ये पंतप्रधान का काम है, रेट कम करना, लोगों को मदद करना, उन्होंने कुछ मदद तो कर नहीं है। अब यूपी में देखो क्या हाल हो गया, लोगों ने लाशें गंगा नदी में फेंके, क्यों फेंके मालूम है? क्यों फेंके? मेरे कुछ दोस्त लोग हैं यूपी में, मैंने उनको पूछा कि ये हाल क्यों हुआ, बोले क्या करें तांबे जी, अगर हमारे घर में डेड हुई तो अगर हमको चेंबूर से गोवंडी लेके जाना है तो एम्बुलेंस वाला 20,000 रुपया मांगता था, वो गरीब लोग क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? उन्होंने माँ बाप को वहीं पे अपना गंगा नदी में
गरीब लोग है, पैसा नहीं है। ये योगी सरकार का काम था, जिनका घर पे डेथ हुआ उनकी जांच करके उनको मदद करने का काम, कुछ मदद नहीं की ये लोग ने, किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये जो सरकार है ये अदानी अंबानी इनकी सरकार है, ये सेठ लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जो गरीब लोगों को पूछती है वो कांग्रेस पार्टी है। भाई मोदी सरकार गरीबों के खिलाफ वाली सरकार है, हमेशा इन्होंने गरीबों को कुछ दिया नहीं। जो भी इनके स्कीम आए ये बड़े लोगों के लिए आए, गरीबों का स्कीम बताओ एक भी। मैं पूछना चाहता हूँ गरीबों के लिए क्या लाए? हमारे महाराष्ट्र से एक मंत्री है, समाज कल्याण मंत्री, क्या दिया गरीब लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए क्या दिया? कुछ नहीं। जो भी आता है जीआर आता है दलितों के विरोध में आता है, जो भी जीआर आता है गरीबों के विरोध में आता है, और जो भी जीआर आता है अमीरों के फेवर में आता है। तो मतलब ये अमीर की सरकार है, ये गरीब की सरकार नहीं है। गरीब की सरकार इस देश में एक ही है, देश आज़ाद होने के बाद, जो कांग्रेस पार्टी है, जो हर लोगों को लेकर चलती है, हर तबके के लोगों को चलती हो, गरीब हो अमीर हो दलित हो माइनॉरिटी हो, हर लोगों को चलने वाली इस देश में एक ही पार्टी, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी लड़ रहे, राहुल गांधी ने कहा था 2 साल पहले आप हुशियार रहो, देश में कोरोना आ रहा है, मगर ये लोग ने उसका सीरियसली नहीं लिया, मजाक उड़ाया हमारे नेता का। आज देश की हालत देखो क्या है, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। आज जो आंदोलन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेता भाई जगताप चरण सिंह सपरा जी, जिला अध्यक्ष हमारे कार्याध्यक्ष सुभाष भालेराव जी और कुरला के सभी कार्यकर्ता, इनकी तरफ से आज का ये प्रोग्राम किया गया है। आज का जो प्रोग्राम में आप लोगों ने हमें सहयोग दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अरे 840 कितना, 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, सिलेंडर 850 रुपये हो गया। हम लोग खाएंगे क्या, रखेंगे क्या, बनाएंगे क्या? घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सब बच्चे बेरोजगार हो गए। तो जो कुछ राशन मिलता था वो सड़ेला देता है मोदी सरकार। हमारा कांग्रेस में हम लोग को 2 रुपये किलो से मिलता था और 150 रुपये में हमारा घर चलता था, और आज 10 हज़ार मिल के भी हमारा घर नहीं चलता है, और 10 हज़ार वाले को भी घर में बिठाए। तो हम लोग खाएंगे क्या और रखेंगे क्या और किस पे बनाएंगे जब ऐसा मिलेगा? तो काम धंधा भी नहीं है, लड़का मेरा जाता था वो भी कोरोना की वजह से घर में बैठा है, किधर जाएंगे? आदमी गाँव में बैठा है लॉकडाउन की वजह से, अभी हम भी बैठे हैं घर पे, तो क्या करेंगे बताओ? इसके लिए अभी क्या, यही रास्ता है ना आंदोलन करने का, और हमारा आवाज़ है। हम पहले से कांग्रेस वाला ही हमारा लिए था बराबर, ये जब से अच्छा दिन दिखाया हमको बराबर बुरा दिन मालूम पड़ रहा है। अभी पहले ना चूल्ही पे बना दिया, अभी वही दिन आ गए, गैस महंगा किया मोदी ने, गैस महंगा कर दिया, वापस चूल्ही पे बनाने हम लोग ऊपर जरूरी आ गए। क्या वजह है? वजह बहुत बड़ा है। पहले तो मोदी ने घर घर बांटला गैस बांटा, अभी गैस में गैस नहीं रहेगा तो गैस इतना महंगा कर दिया, तो अभी कैसे गैस जलाएंगे, कैसे खाना बनाएंगे? 20 साल पहले चूल्हे पे बनाते थे, अभी वही दिन वापस आ गए। हम लोग को तो इतना बुरा दिन देखना पड़ा कि हम लोग रास्ते पे आ गए। सब लोग बोलते हैं ये आया है कोरोना, आया है घर में रहो, लेकिन घर में भूख कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से हम लोग मरेंगे। इतना महंगाई लाया कि हम लोग का रोड पे उतरना भारी हो गया, हम लोग इसके लिए रोड पे उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़।